हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ ब्रदर का B7535WD मल्टीपर्पज़ प्रिंटर, जो कि ब्रदर कंपनी का बेहतरीन प्रिंटर है। और इसके अंदर बहुत कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में आज डिस्कस करूँगा, ये काम कैसे करता है और ये प्रिंटर खरीदना चाहिए कि नहीं, ऑफिस पर्पज़ का हैवी कि नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट मार्क। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस मशीन में काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं। और इस ये मशीन है एक्चुअली ऑफिस पर्पज़, साथ ही साथ आप इसका यूज़ होम पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा काम है, आप चाहते हैं कि बहुत सारे प्रिंट आप निकालना चाहते हैं, तो आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रदर कंपनी की बहुत ही बेहतरीन B7535DW इसका मॉडल है। और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करती है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कुछ चीज़ें हैं। काफ़ी साल से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ और चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर एक जो हमारे पास स्कैनर है, इस स्कैनर में दो फंक्शन हैं। और ये एक्चुअली ये मशीन है 3-in-1 है, आप इसका स्कैन भी कर सकते हैं, आप इसमें प्रिंट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट के बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट है आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है EDF, जो कि ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर होता है, जो कि आप कोई भी एक सैम्पल, जैसे पेपर हैं, बंच ऑफ पेपर है अगर आपके पास है, जैसे कि मेरे पास कुछ पेपर हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास कुछ पेपर हैं, मैंने इनको फीड किया और ऑटोमेटिकली ये स्कैन करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो पेज हैं, आउटपुट है, वो यहाँ पर आ जाएगा। आउटपुट के लिए यहाँ पर एक हमें एक ट्रे दी है, जो कि ये ट्रे होने से क्या है, पेपर आपके गिरेंगे नहीं, ये उसको बचाता है। साथ ही साथ अब देखा जाए कि इसके अंदर जो पैनल है वो कुछ इस प्रकार का है। और इसके बाद अगर आप इसमें पेपर नहीं लगाते हैं तो ये आपको मैसेज देता है कि आपका पेपर लगा नहीं है, ठीक है। अभी हम इस मशीन को ऑन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मशीन ऑन हो गई है और इसमें जो लिखा आ रहा है प्लीज़ वेट, मैंने एनालाइज कर रही है। एनालाइज करने के बाद करीबन 10 से 12 सेकंड लगते हैं इसको स्टार्ट होने में। इसके अंदर जो रॉड लगी है वो एनालाइज होती है, इंक को चेक करता है, मशीन के और परफॉर्मेंस को चेक करता है। चलिए हम देखते हैं अभी इसके अंदर जो मेन्यू दिया हुआ है, जैसे कि स्कैन और कॉपी दिया हुआ है। इसका मतलब है जो भी हम इसमें चेंजेस करते हैं, जैसे कि पेज का इनलार्ज करना, इसकी डेंसिटी क्वालिटी कैसी करनी है। दो साइड को ये सपोर्ट करता है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट दो पेज का है तो उसको ये सपोर्ट करता है, पेज उसका जो प्रिंटआउट है वो निकालता है। इसकी जो क्वालिटी है वो बताता है कि कितनी रेशो पे रखना है, डार्क रखना है कि लाइट रखना है। कॉन्ट्रास्ट भी आप सेट कर सकते हैं, स्टैक और शॉर्ट भी कर सकते हैं, अगर आप 1-1 पेज प्रिंट करना चाहते हैं या फिर एक पूरा कंप्लीट 1-100 सेट प्रिंट करना है एक बार में, ये उसको ये आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। इसमें पेज लेआउट, जो लीगल लेटर्स होते हैं, नॉर्मल लेटर्स होते हैं, A4 साइज़, A3 साइज़, उनको भी आप सेट कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में, जो है ID। आपका ऑटोमेटिकली आपके जो छोटे IDs होते हैं, लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई भी छोटे जो कार्ड होते हैं, उनको ये सपोर्ट करता है। आप उसका सिर्फ और सिर्फ ये बटन दबाने पे आप स्कैन कर सकते हैं कोई भी छोटा सा डॉक्यूमेंट, इसको पूरा स्कैन करने की जरूरत नहीं है। ये है Wi-Fi, वेरी गुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। Wi-Fi ये को सपोर्ट करता है ये प्रिंटर। और इस प्रिंटर में आप कहीं पर भी हो, आपके पास नेट है, वो नेट से कनेक्ट हो जाएगा और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो Wi-Fi से आप प्रिंट ले सकते हैं, तार की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कैन का मतलब है कोई भी आप डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर में सेव हो जाए, और ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। PDF, JPG फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऑप्शंस हैं मेन्यू में, जैसे कि जनरल सेटअप है, कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट की इन्फॉर्मेशन है, नेटवर्क सेट कर सकते हैं, प्रिंट की जो रिपोर्ट है, मशीन की इन्फॉर्मेशन आप सेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें जो लास्ट ऑप्शन दिया है क्लियर, जो कि क्लियर मतलब आता है कि आपकी जो भी स्क्रीन में आपने जो भी एक्टिविटी की हैं, जो आप वो उसको क्लियर कर देगा। प्लस का साइन होता है जिस नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं वो आप चाहते हैं, देखिए 10 कॉपीज़। अब मैं इसको करता हूँ माइनस, तो माइनस में ये 90 है, मतलब एटलीस्ट ये 99 पेज एक बार में ये प्रिंट कर देता है। अब हम करते हैं क्लियर, तो क्लियर कर सकते हैं लाइक दैट। अगर आपने कुछ चेंजेस इसके अंदर किए हैं, जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल 100% मैं चाहता हूँ 104%, देन आफ्टर इसको करते हैं बैक, डेंसिटी में सेट कर देता हूँ लाइक दैट, ठीक है। फिर चलता हूँ मेन्यू वापस, टू साइड, जैसे कि इसमें टू साइड का ऑप्शन लाइक दैट। तो जो भी आपने एक्टिविटी की है, जो भी आपने इसमें चेंजेस किए हैं, हम चाहते हैं रीसेट बिल्कुल बराबर, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये है कैंसिल का बटन। तो सारी चीज़ें आपकी कैंसिल मतलब रीसेट हो गई हैं जैसे थी।
क्लियर का मतलब होता है जो भी स्क्रीन पे आपने नंबर ऑफ पेजेस किए हैं लाइक दैट, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि सारी चीज़ें न्यूट्रल। ये है बटन स्टार्ट, इसका मतलब है कि आप स्कैन करना चाहते हैं, आपने जो सेटिंग की है उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, ये स्टार्ट है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। जब अगर मेरे पास कोई एक बंच ऑफ पेपर हैं जो ब्लैंक हैं सैंपल के लिए, मैं अगर इसको इसके अंदर ऐड करता हूँ तो क्या मैसेज आएगा, देखिए ADF रेडी, यानी कि ये मशीन चालू है, इसके अंदर जो ऑटोमेटिक फीड मशीन है ये काम, ये स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें जो, इसको खोल के दिखाता हूँ, इसमें जो मैकेनिज़्म है वो यहाँ पर है। हम जो नॉर्मल पेज यूज़ करते हैं वो यहाँ रखते हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल लाइक दैट, ऐसे करके राइट। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका A4 साइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसे रखेंगे इस साइड तो आपका इतना एरिया छूट जाएगा। चलिए अब मैं देखता हूँ इसको हम करते हैं नॉर्मल स्कैन लाइक दैट, ठीक है। लेकिन आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर एक और चीज़ है जो है ये, इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये इसके साथ सपोर्ट करता है। ये पेज जब प्रिंट होगा वो यहाँ से आएगा, यहाँ से जैसे ही प्रिंट होगा वो वापस चला जाएगा और इस साइड से आउटपुट हो जाएगा। लेकिन जब ये डेटा यहाँ, जब ये पेज यहाँ से जो पेज निकला है उसका कैरेक्टर यहाँ पर स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद वो डेटा आपका कंप्यूटर में सेव हो सकता है। नंबर ऑफ कॉपीज, सपोज़ 100 पेजेस हैं, आप 100 पेजेस को आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे प्रिंट करेंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग करेगा। लेकिन इस मशीन से आपका ये डेटा, जो भी प्रिंट पेजेस हैं वो आपका आसानी से प्रिंट हो जाएंगे। आप इसकी PDF बना सकते हो, आप इसके साथ जो भी कंप्यूटर आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके जो ADF फंक्शन है वो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी समय बचता है इससे। इसमें जो A6 है, A5 पेजेस और A4 पेजेस, और जो लेटर होते हैं लेटर वाले पेजेस को भी ये स्कैन कर लेता है। याद रहे इसमें कोई पिन, सेफ्टी पिन ना जाए, अदरवाइज ये पेज की जो मशीन है जो अंदर कांटे हैं वो टूट सकते हैं, और इसका खास तौर से ध्यान रखें। चलिए अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको इसके बारे में। ये एक्चुअली इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका कोई भी मोटी फाइल हो या फिर कोई आपकी डॉक्यूमेंट फाइल बड़ी है, ये उठ के ऊपर आ जाता है, देख सकते हो आप, इतना गैप है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जो मुड़ेदार कॉपीज़ होती हैं, बुक्स होती हैं, जिसको हम मोड़ नहीं पाते हैं ढंग से, तो ये जो मैकेनिज्म है बहुत ही अच्छा है, काफ़ी उठ जाता है अपने आप। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा जो भी फाइल है इतना गैप है इसके अंदर, सो आप आसानी से कोना कोना जो फाइल का है वो आप स्कैन कर सकते हैं इस प्रिंटर की मदद से। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, ये अगर आपके पास जो गैप है, आप एक दो पेज आप प्रिंट कर रहे हैं उसके लिए तो ठीक है, अगर आप बंच ऑफ पेजेस हैं 1000-2000 पेजेस ज़्यादा निकाल रहे हैं तो आप इसको उठा भी सकते हैं, इतने तक ये उठ जाता है। आप देख सकते हैं अंदर इसमें जो कुछ पैनल है, इस पैनल से ये पेज बाहर निकलता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कार्ट्रिज के बारे में। ये जो भी पेज आप निकालेंगे तो इसके एक आउटलेट का एक पैनल है जो पेजेस को गिराने नहीं देता है। इसको मैं खोलता हूँ, खोलने के बाद जैसे ही मैंने खोला ऊपर एक मैसेज आ गया, द कवर इज़ ओपन, ओके। तो अब हम बताता हूँ इसके अंदर जो कार्ट्रिज है वो कार्ट्रिज का जो टोनर यूनिट है, ये यूनिट है इसकी, इसके अंदर कार्ट्रिज लगी हुई है। दोस्तों ये है इसकी कार्ट्रिज, ठीक है, ये कार्ट्रिज है, ये इसकी ड्रम यूनिट है, इसके ऊपर ये काम करता है। ये पाउडर होता है इसके अंदर ब्लैक रंग का, ब्लैक रंग का पाउडर है, ये इसका नोजल है यहाँ पर, यहाँ से ये पाउडर अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद पेपर जैसे ही अंदर मशीन्स में रोल करता है यहाँ पर ये प्रिंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टोनर यूनिट में जो लाइन दी है, इसमें धूल मिट्टी मतलब जो भी आपका पाउडर फंस जाता है उसको साफ़ करने के लिए ग्रीन चैनल है, इसको आप ऐसे करेंगे तो जो भी आपकी पाउडर अननेसेसरी यहाँ पर झड़ चुका है उसको ये क्लीन कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ अंदर का जो मैकेनिज़्म है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो हम इसको वापस लगा लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, और इसको सामने के साइड से लगाना है ऐसे करके, और इसको आवाज़ आएगी एक थोड़ी सी, जिससे कि मालूम पड़ जाता है कि ये पक्के तरीके से लॉक हो गया है। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे, जैसे ही क्लोज़ करने के बाद ये एनालाइज मोड पे चला जाता है, ये चेक करता है कि ये मशीन में जो कार्ट्रिज लगी है इसमें कितना है पाउडर फिल्ड है कि आधी खाली है, तो आपको मैसेज ये दे देगा। इसके बाद हम चलते हैं नीचे जो कि है हमारे पेजेस, इसमें 250 पेजेस का एक बंडल पूरा लग जाता है, और सिंपल है, बढ़िया। इसको लगाने के बाद आप इसको क्लोज़ कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों मैं इस वीडियो में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि आपको साइड से पता हो, जैसे कि आप, मैं इसका बैक साइड दिखा देता हूँ। बैक साइड में आप जैसे देख सकते हैं आपका अगर पेज फंस जाता है तो आप इस चीज़ का यूज़ करके आप पेपर का यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई भी अगर पेपर इन केस फंसता है तो, ठीक है। इसके अंदर एक और ट्रे है जो कि है इसकी, ये ट्रे एक्चुअली पेपर जब रोल होता है ये पेपर ट्रे उस काम आती है, और आप देख सकते हैं ये ट्रे कुछ इस प्रकार की है। ये जो ट्रे है ये घिस जाते हैं इसके, ये जो आप देख सकते हैं ये जो एरिया है वाला, ये
ये पूरा घिस जाता है ये, ठीक है। और इसका जो वजन है वो करीबन 11.8 केजी का है और इसकी जो कुल लंबाई चौड़ाई है 41 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर 31.8 सेंटीमीटर, जो कि इसमें जो रैम है इनबिल्ड है, 128 MB की जो रैम है इसमें लगती है और ये विंडोज़ मैक लिनक्स को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं इसमें जो DPI है वो 1200 DPI पिक्सल का है, इसमें जो करीबन 33 पेज पर मिनट की क्षमता रखने वाला इसमें जो मशीन है वो अवेलेबल है। ये एक्चुअली लेज़र मशीन है और ये मोनोक्रोम जो कलर है ब्लैक एंड वाइट उसको सपोर्ट करता है। ये जो सर्विस है वो काफ़ी सिंपल है और करीबन आपको पेजेस के हिसाब से जो भी आपके मंथली निकलते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें है LCD, जो कि आप LCD की मदद से आप इसमें जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी पेजेस की सेटिंग कर रहे हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। और इसमें करीबन आप मंथली करीबन 1,50,000 तक पेजेस निकालने की क्षमता है। आपके पास जितना भी आपका पेजेस है, आपका जो काम है वो आसानी से इससे हो सकता है। अब हम बात करते हैं, इसमें कोई बैटरी नहीं है और कोई इनबिल्ड बैटरी भी नहीं है। वाईफाई लगा हुआ है, वो काफ़ी लेटेस्ट है, वो 802.11bgn का जो इसमें आर्किटेक्चर है उसका यूज़ किया है। और ये डुप्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ये जो प्रिंटर है डुप्लेक्स का मतलब होता है कि इसमें जो ट्रे है वो यहाँ से भी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें एक और तरीका है ब्रदर का, जो आपको सिंगल पेज अगर ड्राफ्ट और एनवलप में आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप ये प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं छोटा सा एक पैनल है और पेज तो वैसे भी आप यहाँ से प्रिंट कर ही रहे हैं। एक ये ट्रे है और एक इसमें भी आप इसमें पेजेस को फंसा के आप प्रिंट दे सकते हैं। एक दो तरीके हैं इसके। जो करीबन जो मार्केट में इसका प्राइस है करीबन 19,000 या 20,000 के आसपास है। इसको इसमें करीबन 34 PPM यानी कि पेज पर मिनट की निकालने की क्षमता है। एक मिनट में ये 34 पेज निकालता है और इसमें कम से करीबन A4 और A5 के जो डॉक्यूमेंट है, A6 के जो एग्जीक्यूटिव लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी ये निकालने की कैपेबिलिटी है। और इसमें करीबन आपके पास एक ही कलर है ब्लैक, जो कि ब्लैक कलर टोनर में आता है और इसका जो पाउडर है वो सिंपली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इससे। ऐसे इसमें जो टोनर लगा हुआ है वो टोनर यहाँ पर है और ये जो इसके बाद हम कार्ट्रिज को अंदर करने के बाद इसको चालू कर सकते हैं। इसमें जो दोस्तों जो चिपसेट लगाया है वो करीबन आपका 600 MHz का प्रोसेसर है, जो कि बहुत ही अच्छी दमदार पावर है, जो प्रिंटर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और 128 MB का जो सपोर्ट मिलता है, जो इसमें डेटा स्टोर रहता है, बफरिंग रहती है, आप कोई भी डेटा बफर में सेव कर सकते हैं, ये उस लिए यूज़ की जाती है 128 MB मेमोरी। और ये स्मॉल बिजनेस लार्ज बिजनेस सभी के लिए ये उपयोगी है और इसमें स्कैन प्रिंटर और फोटोकॉपी भी आप कर सकते हैं। दोस्तों ये ब्रदर का DCP-B7535DW प्रिंटर है और इसकी पेज निकालने की क्षमता और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। वाईफाई होने के साथ साथ इसके अंदर जो भी आप ADF का सपोर्ट मिलता है और जो काफ़ी बढ़िया है और सिंपल और काफ़ी फास्ट है, आपके आने वाले वक्त के लिए ये प्रिंटर लाभदायक होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बने रहिए मेरे साथ। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ।